නමෝතස්ස භගවතෝ වරතෝ සම්මා සම්බොද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතෝ අරතෝ සම්මා සම්බොද්දස්ස නමෝතස් භගවතෝ අරතෝ සම්මා සම්බොද්දස්ස श्रद्धावान धम्म मित्रों आज हम अशुभ अनुस्ती भावना के बारे में चर्चा करेंगे हम सभी शुभ को तो जानते ही है हमारे जीवन में हमारे लिए क्या शुभ है सब लोग जानते ही है लेकिन अशुभ को नहीं जानते हैं अशुभ को ना जानने कारण मैं मेरा का भाव हम में जग जाता है और अहंकार वश हो करके अपने स्वभाव को ना जान करके ध्यान साधना धर्म में आगे नहीं बढ़ पाता है अज्ञानी के भांति जीवन यापन करता है इसलिए अशुभ को जानना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले आज हम भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए अशुभ के बारे में पढ़ करके के उसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे बहुत पुराना किताब है यह जो सामन्य विनय या परिताना पाठ नाम से जाना जाता था पहले लेकिन आज बहुत सारे किताब अन्य अन्य नामों से भी छाप प्रिंट किया गया है तो आप इसको देख सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं इसमें बुद्धानुस्थिति मित्तानुस्थिति अशुभ अनुस्थिति और मर भावना के बारे में चर्चा किया गया है तो इससे पहले हमने मरणानुस्ती भावना के बारे में चर्चा किया था और फिर अभ्यास भी किया था तो आज हम लोग पहले अशुभ अनुस्ती भावना के बारे में चर्चा करेंगे तो अगला वीडियो में हम लोग अशुभ अनुस्ती भावना का अभ्यास करेंगे इस गाथा में इस प्रकार बताया गया है अशुभ अनुस्ती अभिन शुभ निभंग इमं कायं अशुभतो अशुभपंग अशुभंग भाव यति भिक्खु को चाहिए कि चेतन और अचेतन इस शरीर को शुभ के रूप में देखते हुए अशुभ की भावना करे अब ये शरीर है हम लोग का हमें इस शरीर को जो चेतन जो चेतन जिसमें चेतना दौड़ रहा है और कुछ शरीर है अचेतन है एकदम मूर्छित पड़ा हुआ है पूरे शरीर को इसमें शुभ या अशुभ देखना चाहिए हमें शरीर में कितने प्रतिशत शुभ है कितने प्रतिशत अशुभ है इसको हमें जानना चाहिए ऐसे देखने पर तो शरीर में अशुभ ही दिखाई पड़ता है जिसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे वन संठान गंधे ही असहो का सतो तथा पटिकूला कुनपानी में कोलस रूप बनावट गंध आशय और अवकाश से इस मेरे शरीर में घृणित गंदगिया है शरीर के सत्य को बताया गया है जिसे साधारण व्यक्ति नहीं देख पाते हैं शरीर में हम लोग कितने भी साफ़ सुथरा करके इसको रखने पर भी तमाम गंदगियाँ सिर से लेकर के एड़ी तक गंदगियां ही दिखाई देता है कुछ ना कुछ गंदगियां निकलता ही रहता है इसीलिए इसको भी जानना ज़रूरी है इसके बारे में बताया गया है जो बत्तीस घृणित गंदगियाँ है इस प्रकार बताया गया है अगला है पति तम हापीकुना पे गुच्छ कायन आधारो ही शुचित कुन पेटित गंदगी गिरने पर भी शरीर में घृणित चीजें ही है उसका आधार शुद्ध है किंतु शरीर गंदगी में ही स्थित है शरीर से अनेक गंदगी हम लोग साफ करते हैं निकलता है हम लोग साफ़ करने की कोशिश करते हैं फिर भी इसमें गंदगियाँ ही रहता है हम लोग शरीर को साफ़ करते हैं कुछ क्षण के बाद फिर गंदा हो जाता है इसीलिए शरीर गंदगी से ही भरा पड़ा है और बताया गया है बाहर से देखने पे तो हम लोग को सुंदर दिखाई देता है हमारे आँख है शरीर के रंग रूप है लेकिन अंदर से देखने पर या तो इसको सही से देखने पर गंदगी से भरा ही दिखाई देता है और गंदगी में ही स्थित बताया जा रहा है अगला गाथा है मिल्हे की मीच यंग असुचिम ही समुट्ठितो अंतो असूचि सम्पुन्नो पुनव वियंग यह शरीर पाखाने में उत्पन्न कीड़े की तरह गंदगी में ही उत्पन्न हुआ है भीतर गंदगी से भरा है जैसे कि भरा हुआ पाखाना घर हो शरीर को अंदर से जानने पर होशपूर्वक देखने पर हमारे शरीर के अंदर गंदगिया ही भरा पड़ा है जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से और शरीर के विभिन्न छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता रहता है अंदर में बनता रहता है और देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि ये पाखाना से भरा हुआ एक घर के भांति ही लगता है यह बताया गया है अगला है असूची संदते निच यथा मेदक थालिका नाना किमी कुलावासो चंदा निकाविया चर्बी रखी थाली की भांति नित्य यह गंदगी ही बहा रहा है सड़ी गढ़ही की भांति यह नाना प्रकार के कीड़ों का निवास स्थान है चर्बी एक जगह टिकता नहीं है उसे कहीं पे रखने पर वो इधर उधर बहता रहता है यह शरीर भी चर्बी के भांति है इधर उधर बहता रहता है इसमें अनेक गंदगियाँ और उसमें से गंध भी निकलता है जैसे सड़ी गली स्थान में या सड़ी गली चर्बी हो उसमें से कीड़े निकलता रहता है इधर उधर कीड़ा ही रहता है उसके अंदर भी कीड़ा ही रहता है ऐसे ही शरीर को अच्छे से जांचने पर देखने पर हमें शरीर के अंदर कीड़े ही दिखाई देता है यह शरीर का वास्तविक स्वभाव है यह शरीर में ही है अगला है गण्डभूतो रोग भूतो वन भूतो गुच्छो अत गुच्छोन्नपूप मोती यह शरीर फोड़ा रोग और ब्रान यानी घाव के समान है यह चिकित्सा के लिए असाध्य घृणित और फूटे हुए मुर्दे कुपन के समान है इस प्रकार यह शरीर को एक फोड़े के भांति भी बताया गया है फोड़ा जिसको होता है फोड़े के अंदर पीप बनता है सड़ता है पकता है उसमें से धीरे धीरे पीप निकलता है यह शरीर भी बहुत मुंह वाला फोड़ा है जिसमें से सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ गंदगियाँ निकलता रहता है वो पीप हो मल हो मूत्र हो या मुंह से हो नाक से हो शरीर के सभी अंग से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है जैसे फोड़े से पीप निकलता हो तो यह शरीर का सच्चाई है शरीर के अशुभता है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं जानते भी है तो इसे इग्नोर करते हैं और बाहरी रूप से अच्छे खासे कपड़े पहन करके तमाम लेप लगा करके अनेक सुगंधी का लेपन करके हम लोग सुगंधित होकर के सुंदर होकर के बाहर बाहर से दिखावा करके जीवन यापन करते हैं हम सभी साधक हैं तो हमें इन सब को जानना चाहिए अगर हम इसको भी नहीं जान पाएंगे तो में मेरा के अहंकार में फंसे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम सभी बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं अपने अहंकार को मिटाना है यह मैं हूँ यह मेरा है मैं मेरा का स्वभाव ख़त्म करना है विपस्सना में आ, और भी साधना में मैत्री साधना में आनापान सती में अपना अस्तित्व खो करके जो दिखाई देता है उसको छोड़ कर के हम लोग वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं लेकिन जो मैं मेरा का स्वभाव है जो हमारा अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है वो है मेरा शरीर हमारा शरीर ही सबसे बड़ा सबूत है कि ये मैं हूँ और ये मेरा शरीर है ये मेरा नाक है ये मेरा मुंह है ये मेरा शरीर के विभिन्न अंग है इस प्रकार हम लोग बताते हैं तो शरीर ही सबसे बड़ा हमारा अस्तित्व का या हमारे होने का सबूत है तो यह शरीर को सही रूप से ना जानने कारण हम लोग यह मेरा शरीर है यह मेरा हाथ है यह मेरा, 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 मेरा आँख है ये मेरा सुंदर शरीर है यह मेरा ताकतवर शरीर है यह मेरा हाथ बहुत सुंदर है यह मेरा आँखें बहुत सुंदर है यह मेरा चेहरा बहुत सुंदर है इस प्रकार के अनेक भ्रांतियाँ पाल करके जीवन यापन करते हैं ध्यान साधना के बहुत अभ्यास के बाद भी मैं मेरा का स्वभाव को समाप्त नहीं कर पाता है शरीर के और अपना वास्तविकता को नहीं जान पाता है तो अब हमें सतर्क होना है इसे भी जानना है सबसे बड़ा हमारा प्रमाण जो शरीर है इसको भी जानना है शरीर वास्तव में क्या है शुभ तो हम लोग मानते ही है अज्ञानवश लेकिन हमें तो ज्ञानी बनना है जागरूक बनना है मूर्खों की भांति जीवन यापन नहीं करना है तो यह शरीर को हमें जल्दी से जल्दी ही जानना आवश्यक है तो अशुभनुस्ती भावना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मैं मेरा का स्वभाव इससे कम होता है और इसमें आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से समाप्त हो जाता है दूसरा है अनित्य अशुभ अनुस्ती भावना शरीर को जानने के लिए है शरीर के वास्तविकता को जानने के लिए है और शरीर के अशुभता को देखते देखते शरीर के गंदगी को देखते देखते हमें अनित्यता के प्रति भी जागरूक या होश जग उठता है क्योंकि कुछ खाते हैं वो भी मलमूत्र के माध्यम से या पसीना के माध्यम से या मुंह के मार्ग से या नाक के द्वार से निकलता ही है फिर हमारा शरीर हम देखते हैं कभी कुछ कट रहा है फिर उसमें बन रहा है शरीर से कुछ गंदगी निकल रहा है फिर ठीक हो रहा है फिर गंदगी निकल रहा है शरीर में कभी कुछ अंग में कुछ कमी हो रहा है कुछ अंग में गंदगियाँ इकट्ठा हो रहा है फिर वो ठीक हो रहा है फिर शरीर के दूसरे छोर पे कुछ ना कुछ गंदगियाँ हो रहा है इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन होता रहता है तो अशुभ नुस्ति भावना का दूसरा लाभ यह भी है कि शरीर के अशुभता को जानते जानते हम अनित्यता की ओर बढ़ पाते हैं और बढ़ने में हमें सहायता प्रदान करता है इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर बहुत बड़ा मुंह वाला फोड़ा है शरीर में गंदगियाँ ही भरा पड़ा है सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ गंदगियाँ निकलता रहता है चाहे मुंह को देख लीजिए मुंह से कुछ ना कुछ गंदगियाँ निकलता है हम लोग साफ़ सुथरा करके इसको रखते हैं, लेकिन गंदगी भरा पड़ा है अपने नाक को देखिए अपने आँख को देखिए आँख कितना सुंदर है लेकिन सुबह सुबह देखिए उसमें से कचरा निकलता है अपने चेहरे को देख लीजिए चेहरे सुंदर है सफ़ेद है सेव के भाती है लेकिन इसको धोइए या कई दिन तक ना धोइए धोने पे हमें गंदगी ही मिलता है शरीर के विभिन्न अंग को देख लीजिए मेरा शरीर बहुत ही सुंदर है सफ़ेद है जगह जगह पर विशेष रूप से बनाया गया जैसा ही लगता है लेकिन इसमें भी आप ना धोए ना नहाए फिर इसमें गंदगियाँ ही आपको दिखाई देगा इसीलिए यह शरीर के वास्तविकता को जानना बहुत ज़रूरी है शरीर में मल मूत्र ही भरा पड़ा है शरीर में गंदगियाँ ही भरा पड़ा है अगर हम इसको सत्य मान करके के इसको नित्य मान करके के इसको साफ सुथरा या शुभ मान करके के चलेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे और धर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो यह मेरा शरीर है यह मेरा मन है हम लोग इस प्रकार से कहते हैं लेकिन यह शरीर के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है आपके बारे में नहीं बताया जा रहा है आप सिर्फ दृष्टा है यह शरीर को अलग दृष्टिकोण से देखिए शरीर को अपने आप से अलग रख तो के देखिए तो यह शरीर के अशुभता को आप देख पाएंगे तो ये आपको नहीं बताया जा रहा है भगवान बुद्ध ने आपको नहीं बताया है मैंने भी आपको नहीं बताया है गाथा के माध्यम से भी आपको नहीं बताया है आपको दोष नहीं दिया है दोषारोपण नहीं किया है या शरीर के वास्तविकता को बताया जा रहा है कि शरीर मलमूत्रों का घर है शरीर बहुत बड़ा फोड़ा है अनेक मुंह वाला फोड़ा है जहाँ से सुबह से लेकर शाम तक गंदगियाँ ही निकलता रहता है इस प्रकार से आप भी जांचिए परखिए देखिए और सत्य का दर्शन करिए इसमें दुखी होना भी नहीं है निराश भी नहीं होना है प्रसन्न भी नहीं होना है कुछ भी नहीं होना है एक दृष्टा के बातें सिर्फ जानना है कि यह शरीर है और शरीर में यहाँ यहाँ पे गंदगी भरा पड़ा है बाहरी तौर तो, से हम लोग बाहरी छोर से हम लोग इसको साफ़ सुथरा करके चमका के रखते हैं, बना के रखते हैं लेकिन अंदर देखा जाए तो पूरा गंदगी भरा पड़ा है इसका दर्शन करूँगा इसका साक्षात्कार करूंगा इसको जानते हुए मैं अशुभ अनुस्तिति भावना का अभ्यास करते हुए धर्म ध्यान साधना में आगे बढूंगा इस प्रकार संकल्पित होकर के धर्म ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहे अपना कल्याण करें समाज का कल्याण करें अगर आपके पास कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो ध्यान धर्म संबंध में या अशुभ नुस्ति भावना के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद सब्य मंगल रखंतु सब्यदेवता सभ्यबुद्ध अनुभवन सभ्यध्माुवन सभ्य संघानुभावन सदा सी भवंतु ते Sado, sado, sado.